तो और मेरे भाई लोग यार क्या ही हाल चाल। तो यार तुम्हारा भाई यहाँ पे एक और अनदर वीडियो लेके आ चुका है। और भाई यार यहाँ पे हम लोग आज वीडियो में बात करने वाले कि यार BGMI के 2.7 में यार क्या क्या न्यू फीचर्स आने वाले हैं और क्या क्या न्यू मोड्स आने वाले हैं। और यार बहुत सारी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले, जो भी 2.7 के अंदर मोड्स आएंगे उनके भी लीक्स निकल के आ चुके हैं और क्या क्या उनमें न्यू फीचर्स एंड गन्स एंड इमोट्स आएंगे तो उसकी भी हम लोग बात करने वाले। और साथ ही साथ में साइकिल 5 के हम लोग टीयर रिवॉर्ड्स की भी बात करने वाले हैं कि उसमें हमको टीयर रिवॉर्ड्स में क्या क्या आउटफिट मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट यार किए यार यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फीचर आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही बढ़िया है, जो 2.7 के अपडेट में आने वाला है। तो अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फीचर कैरी इनटू व्हीकल, तो इसमें क्या होगा कि यार यहाँ पे अगर हमारा टीममेट अगर नोक हो जाता है, मतलब थर्ड पार्टी कहीं पर भी नोक हो जाता है, तो अब हम उसको यार यहाँ पे नोक हुए हुए हमारे टीममेट को कार के अंदर बिठा के कहीं पर भी ले जाके हम लोग रिवाइव दे सकते हैं। तो यार ये वाला फीचर कैसा लगा आपको? फर्स्ट फीचर इतना मज़ेदार है आप लोग पूछो मत, जो 2.7 में आने वाला है मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे जो मेरा बंदा है अब वो मेरे को किस तरह कार में डालता है। ठीक है, यहाँ पे मैं नोक हो चुका हूँ तो ये अब मेरे को कार के अंदर डालेगा। अब ये देखो मैं नोक हुआ हूँ, मैं कार के अंदर हूँ, अब ये मेरे को कहीं दूर ले जाके रिवाइव भी कर सकता है। तो भाई यार ये वाला जो फीचर है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है और बहुत लोग इसको यूज़ करने वाले, खासकर यार कॉम्पिटिटिव में, क्योंकि यार जब भी कोई बंदा थर्ड पार्टी में नोक हो जाएगा तो भाई बंदा सीधा कुछ नहीं करेगा, अपने टीममेट को कार में बिठाएगा और सीधा कहीं दूसरी लोकेशन पर ले जाकर उसको रिवाइव दे देगा। तो हमने सोचा यही चीज़ यार किसी एनिमी पर ट्राई की जाए, कहीं एनिमी के ऊपर भी ये चीज़ अगर सपोर्ट करती है तो देखते हैं बीटा वर्जन में। बट यार यहाँ पे एक ग्लिच चल रहा है फिलहाल के लिए बीटा वर्जन में, बट ये बीटा वर्जन में एक यहाँ पे जब हमारे BGMI में आएगा तब ये पूरी परफेक्टली सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं अभी इसके मतलब एनिमी के साथ में मैं खुद चिपका हुआ हूँ। ठीक है, जब तक ये नहीं मरेगा तब तक मेरे को भी वहाँ पर ही रहना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करने वाले साइकिल 5 का फर्स्ट सीजन C5S13 के रिवॉर्ड्स के बारे में। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिल्वर पे ये हेडकेयर मिलेगा, देख सकते हो। तो आपको मैं लीक्स बता रहा हूँ भाई, एकदम डेंजर है और ग्रीन सा लुक है, थोड़ा एलियन टाइप का। और यहाँ पे जो डायमंड पे आपको ये पूरा सेट मिलने वाला है तो बहुत ही मस्त है, डायमंड या क्राउन पे आपको मिलेगा। ठीक है, और बाकी यार यहाँ पे आपको एस के अंदर जो आपको हर बार की तरह एक स्केट बोर्ड मिलता है वही मिलेगा। बट यार आउटफिट कुछ भी बोलो थोड़ा भारी आउटफिट है, मतलब एकदम हैवी लेवल का। तो आउटफिट देखा जाए तो एक तरह से ठीक ही है, जो बंदे लोग मतलब इस तरह का आउटफिट पहनते हैं उनके लिए। बाकी देखो अब यहाँ पे एस के अंदर आपको कुछ इस तरह का ये होवरबोर्ड मिल जाएगा, मतलब स्केट बोर्ड आपको मिल जाएगा। और अब यहाँ पे हमको आने वाले अपडेट में SCE-32 के नाम की एक न्यू गन मिलने वाली है। तो यार ये वाली जो गन है ये वर्क करने वाली M416 और M16 की तरह वर्क करने वाली गन देख सकते हो आप, जो अभी मेरे हाथ में है। और यार बहुत ही मस्त गन है जो अपने को आने वाले अपडेट में मिल सकती है। ठीक है, तो ये वाली गन भी अपने को मिलने वाली है। उसके बाद गाइस यार हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 2.7 के अंदर यहाँ पे हमें न्यू मोड देखने को मिलने वाला है, स्टैंड अलोन मोड। तो भाई ये न्यू एक्सक्लूसिव मैप होने वाला है इसके अंदर, भाई मतलब पूछो मत यार, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ये मैप होने वाला है। और इन लोगों ने एक पूरा अलग तरह से ही ये मैप जो है पूरा क्रिएट किया है। और यार मतलब एक तरह से देखें ना, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल यार, मतलब हमारा जो मिरर वर्ल्ड आया था ना उसकी तरह ही जो यहाँ पे कैरेक्टर जो है मूव कर रहा है। बट यार मतलब उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मतलब इसके अंदर जो ये 2.7 के अंदर ये वाला जो मोड हमारा आने वाला है बट नेक्स्ट लेवल होने वाला। और अब इसके अंदर होगा क्या क्या वो भी मैं आपको बताऊँगा। और बट यार उससे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यार यहाँ पे थोड़ा बहुत यार एपेक्स गेम एंड COD गेम्स की तरह यार इसको मैप को यहाँ पे पूरा ये एक लुक एकदम क्रिएट किया है। और अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो भाई यार इस मैप के अंदर होता क्या, करना क्या क्या है, किस तरह खेलना है इसको, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर यहाँ पे 50 प्लेयर खेलेंगे, मतलब 15 प्लेयर खेलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो इसके अंदर 5 कैरेक्टर रहते हैं, एक तो स्ट्राइकर, अटैकर और डिफेंडर, और यहाँ पे डिस्ट्रॉयर, ठीक है, और स्नाइपरर। ठीक है, ये 5 यहाँ पे मतलब कैरेक्टर रहते हैं इसके अंदर। तो हम इनमें से यहाँ पे लॉबी के अंदर आपको एक कैरेक्टर सिलेक्ट करना रहेगा, वही आपका पूरे मैच भर पूरे चलेगा। और उसके अंदर कुछ पावर एबिलिटी रहेगी, तो यहाँ पे मैंने स्ट्राइकर सिलेक्ट किया है, तो इसके पास जो है फर्स्ट कैरेक्टर मैंने ये सिलेक्ट किया है। और इसके पास जो है यहाँ पे 2 गन्स आती है, मतलब ये पावर गन रहती है जो इनकी पर्सनल पावर रहती है। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे जो इस कैरेक्टर की जो यहाँ पे एबिलिटी है वो है, यहाँ पे देख सकते हो साइड में आपको 3 बार यहाँ पे यूज़ करने को मिलती है, वो है इसकी स्पीड पावर। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ या थोड़ी देर में। अब मैं इस एनिमी को पहले मारता हूँ और देखो किस तरह की जो इसकी पावर एबिलिटी निकलती है गन्स की। और ये देखो मैंने एक बार यहाँ पे इसको यूज़ किया, और ये देखो दूसरी बार यूज़ किया, और यहाँ पे हम लोग 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ये बूस्ट वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो ये इसकी एबिलिटी। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे दूसरे कैरेक्टर की, मतलब उसका नाम है अटैकर। तो ये भी एक मेल कैरेक्टर है, तो यार इसकी यहाँ पे जो पावर है वो और भी खतरनाक है। तो इसमें जो है मतलब यहाँ पे लगातार हम लोग यहाँ पे कुछ गोले से मतलब छोड़ सकते हैं
और यार जो सबके इफेक्ट, जो अलग अलग कैरेक्टर है उन सबके इफेक्ट भी अलग अलग निकलते हैं। तो देखो यार कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी 0% जैसे 54 होता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह धड़ाधड़ गोलियाँ मतलब ये छोड़ सकते हैं जो भी है। जैसे ही जब मोड खेलेंगे तो हमको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग डिफेंडर जो हमारा तीसरा कैरेक्टर है, तो इसमें देखो यार कुछ इस तरह की यहाँ पे पावर एबिलिटी है, मतलब देख सकते हो शक्तिमान जैसे आगे हाथ करके रखा है एकदम, मतलब हर एक में अलग अलग पावर एबिलिटी रहती है यार। और यार इसके अंदर भी एक अलग ही एबिलिटी है, तो भाई कैरेक्टर के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ रहेगी। तो यार ये वाला जो मोड रहने वाला बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहने वाला। देखो यहाँ पे मैंने इसकी एबिलिटी को यूज़ किया तो यहाँ पे पूरा एक शील्ड टाइप का बन चुका है, ठीक है, मतलब एक तरह से देखे तो एकदम पूरी शील्ड बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे को मतलब एकदम, मतलब शायद मेरे हिसाब से शील्ड ही है ये। और उसके बाद आता है हमारा फोर्थ कैरेक्टर डिस्ट्रॉयर, तो अब देखते हैं इसकी एबिलिटी क्या है यहाँ पे, मतलब मैप लोकेशन जैसी कुछ एबिलिटी तो बता ही रही है वैसे, अब देखते हैं भाई। बट मेरे को जितना लगता है तो यार यहाँ पे ये देखो ये इसकी एबिलिटी, ये कुछ इस तरह की इसकी एबिलिटी है, मतलब इतना बड़ा गोला कुछ लेके सामने वाले के ऊपर अटैक कर दो बस भाई। बहुत ही मस्त चीज़ है भाई, पूछो मत यार। जब ये गेम आएगा ना भाई तब, मतलब गेम नहीं, गेम तो आई हुई है, मतलब मोड आएगा तब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, पूछो मत, एकदम नेक्स्ट लेवल। ये देखो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे फेंकेगा, मतलब ये इसकी एबिलिटी है भाई, एबिलिटी बहुत ही मस्त एबिलिटीज़ है भाई इनकी, मतलब अलग अलग सबकी पावर है, तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। और अब लास्ट में जो है हमारा वो स्नाइपरर है, तो स्नाइपरर को आप देख ही सकते हो किस तरह का, मतलब स्नाइपरर तो मेरे हिसाब से एकदम नॉर्मल लग रहा है मेरे को, तो बाकी इतना कोई खास नहीं है, बट देखते हैं इसकी पावर किस हिसाब से मतलब यहाँ पे यूज़ होती है। बाकी बंदे तो मस्त मर ही रहे हैं, बाकी ये देखो स्नाइपरर की ये पावर है, देखो एबिलिटी देख रहे हो स्नाइपरर की, बट इतना मज़ा स्नाइपरर में नहीं है यार जितना बाकी सब में। तो बाकी देखो आपका कौन सा फेवरेट जो कैरेक्टर है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अटैकर है या स्नाइपर है या डिस्ट्रॉयर है, जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे को बताना। बाकी भाई यार गेम में मेरे को बहुत ही मज़ा, मतलब एक तरह से बोले तो बीटा वर्जन में खेलने को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे हमको जो अल्ट्रा प्रो जोन देखने को मिलेगा, इसके अंदर यहाँ पे आपको मैप के अंदर ये दिख जाएगा। अगर आप मैप देखोगे एक पूरा जोन एरिया रहेगा जिसके अंदर आप जैसे ही जाओगे, और अगर आपने कैरेक्टर सिलेक्ट जो भी आपने अपना पाँचों में से कोई एक कैरेक्टर सिलेक्ट किया है, जब आप यहाँ पे फाइट लोगे तो जो हमारे कैरेक्टर की जो यहाँ पे मतलब एबिलिटीज़ रहती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और यार यहाँ पे जो है मतलब आपके बंदे की जो हेल्थ रहती है आपके कैरेक्टर की वो भी जल्दी रिकवर होगी। और जो उसके बाद वाले हमारे फीचर की बात करते हैं वो है यहाँ पे टेलीप्रोटेक्शन, तो इसमें क्या होगा कि भाई एकदम टाइम मशीन की तरह के भाई, मतलब आप देखो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे बना रहेगा, जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो देखो एकदम टाइम ट्रैवल की तरह एकदम ट्रैवल करोगे आप, मतलब भाई एकदम नेक्स्ट लेवल वाला मोड है। और देखो हम लोग यहाँ पे एक अलग ही दुनिया में आ गए, मतलब अलग दुनिया नहीं उसी मैप के अंदर है, बट यार हम लोग दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं, मतलब किसी और दूसरी जगह। और उसके बाद आता है सेवंथ फीचर, वो है न्यू स्मोक, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा यार। यहाँ पे आप जिस तरह मतलब नॉर्मल स्मोक ये नहीं रहेगा, ये स्मोक बहुत ही अलग रहेगा, एक तरह से देखे तो भाई एकदम COD जिस तरह के गेम होते हैं उसके अंदर ऐसे इसको मतलब स्मोक होते हैं। तो यार पूरा BGM एकदम अलग सा ये वाला मोड लाने वाला है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। फिर बात करते हैं हमारे नए फीचर के बारे में अपवर्ड फ्लो, तो देखो इसमें आप इस तरह से हवा में उड़ोगे और कहीं पैराशूट की जगह कहीं जाके छोटी सी जगह लैंड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक सप्लाई बॉक्स है जिसमें आपको अपग्रेडेबल गन वन मतलब लूट वूट किट विट मिल जाएगी, जिससे आप पूरी लूट कर सकते हो। एक ऐसी परमानेंट कुछ लोकेशंस रहेगी जहाँ पे आपको ये बॉक्स मिलेगा, और बाकी देखो यार फुल लूट रहेगी। और देखो यार मेडिकेट जिस तरह आप लगाओगे तो यार आपका जो कैरेक्टर होता है वो किस तरह देखो, ये किस तरह हमारा जो कैरेक्टर वो हेल्थ मतलब यहाँ पे मतलब किस तरह भर रहा है वो तो देखो। और यहाँ पे जो ड्रॉप के अंदर जो नॉर्मली हमारी चीज़ें मिलती है वही है, बट थोड़ी सी किट्स एंड मेडिकेट ज़्यादा। भाई अब यहाँ पे हमारे 10th फीचर की बात करें तो वो है यहाँ पे हमारा रिकॉल का सिस्टम, तो भाई वो भी इसके अंदर होने वाला है। तो भाई सबसे मज़ेदार एक और चीज़ के भाई यार यहाँ पे जो हमारी टीम्स है वो वापस से रिकॉल होकर जिंदा हो सकती है, मतलब हाँ वही जिंदा वापस होना एक बार वापस से गेम के अंदर आने का चांस मिलना, तो रिकॉल का भी इसके अंदर आने वाला है। तो यार रिकॉल का एकदम अलग ही है भाई, मतलब हम लोग रिकॉल होकर आएंगे तो एकदम मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का, मतलब ऐसे पूरा लोकेशन ही चेंज ऐसा बताता है। उसके अब हम लोग बात करते हैं अब 11th फीचर की, वो है हमारा वोल्केनो मतलब लावा। तो ये जो लावा है यार यहाँ पे लिविक मैप के अंदर भी ऐसा ही लावा है, बट यार यहाँ पे जो हमारे इस नए मोड वाले जो मैप है इसके अंदर जो ये वाला लावा है वो एकदम परफेक्ट और पूरा वर्क करेगा, क्योंकि आप अगर इसके अंदर थोड़ा भी पाँव डालोगे तो भाई डैमेज 100% पड़ेगा। और ऊपर से भाई यहाँ पे देखो यार इसके अंदर जो है मतलब आप लोग डुबकी उबकी कैसे भी लगा सकते हो, बट डैमेज फुल पड़ने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एड्रेनालिन फ्लाइंग, मतलब इसके अंदर क्या होगा आप थोड़ी देर यहाँ पे क्लिक करके रखोगे तो इसके अंदर क्या होगा कि मतलब आप लोग फ्लाई करोगे थोड़ी देर के लिए। चलो अब ये तो हो गया, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वो हमारा हीलिंग पॉइंट। तो मतलब कुछ इस टाइप के यहाँ पे हीलिंग आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे यार ऑटोमेटिकली आपकी जो हेल्थ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और यार ऑटोमेटिक आपकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो
होती रहेगी ऑटोमेटिक, मतलब यहाँ पे कुछ मेडिकेट्स पड़ी रहेगी जिससे ऑटोमेटिक आपकी जो हेल्थ है वो इंक्रीज होती रहेगी। बस आपको लोकेशन पे जाके खड़ा हो जाना है। और देखो उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो लास्ट फीचर के बारे में, वो है अपग्रेडेबल इमोट्स। मतलब अब जो हमारे आने वाले टाइम पे यार जो हमारे इमोट्स होते हैं वो भी अब अपग्रेड होंगे। मतलब यार यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे आखिरी में जो होता है वो मिथिक होता है और लेजेंडरी रहता है, और उसके बाद मतलब बहुत सारे रहते हैं, तो लास्ट में जाके आपका देखो मिथिक बनेगा और साथ में आपको म्यूजिक भी मिलेगा। मतलब अब से यार यहाँ पे इमोट्स भी अपग्रेड होना स्टार्ट होंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।